फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है और ये कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस की है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिविडेंड की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद इनके रिजल्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भेल के द्वारा जो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया गया है वो 40 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा अगर इनके रिजल्ट की बात करेंगे तो इनका जो रिजल्ट इस बार आया है आप यहाँ देख सकते हैं, ये डेटा कंसोलिडेटेड है और ये जो फिगर लगे हुए हैं ये इन करोड़ में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, भेल के द्वारा जो यहाँ पे टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, वो 8338 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 5353 करोड़ का था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में भेल के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया था वो 8181 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो इनकम है वो बहुत ही शानदार क्वार्टर वाइज उछलते हुए यहाँ दिख रही है। अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो भी इनका जो इनकम है उसमें जंप दिखाई आपको देगा। इसके अलावा अगर इनके एक्सपेंसेस को देखेंगे तो भेल के द्वारा जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया गया है वो 7474 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 5320 करोड़ का था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में भेल के द्वारा जो टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया गया था वो 7091 करोड़ का। तो फ्रेंड, इनका जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं, और अगर आप ईयरली वाइज बात करेंगे तो भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं कि इनका जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि भेल को इस बार कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड, इस बार भेल ने जो अपना शुद्ध लाभ इट मीन्स नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 611 करोड़ का किया है, जो कि बहुत ही शानदार यहां दिख रहे हैं। अगर पिछले क्वार्टर की तुलना करेंगे तो पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ 28 लाख का इनका नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया गया था। इस हिसाब से बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका कहा जा सकता है, लेकिन वहीं पे अगर आप ईयरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे भेल के द्वारा जो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया गया है उसमें अभी भी गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार इनका जो अर्निंग पर शेयर हुआ है जो कि 1.75 रुपया है, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो अर्निंग पर शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे का था। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार पिछले क्वार्टर की तुलना में रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है। वहीं पे अगर पिछले ईयर की बात करेंगे तो पिछले ईयर में 2.62 रुपया इनका अर्निंग पर शेयर था। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि भेल जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है उसमें कोर बिजनेस से ये अपने इनकम को जनरेट किए हैं या फिर कहीं अदर से। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे भेल के कोर बिजनेस दोनों लगे हुए हैं, पहला पावर का है और दूसरा इंडस्ट्री का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार इनका कोर बिजनेस उछलते हुए यहां दिख रहा है, क्योंकि अगर पावर की बात करेंगे तो पावर सेक्टर से इस बार 6166 करोड़ से ज़्यादा का इनकम इन्होंने जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3992 करोड़ का ही इनकम इन्होंने जनरेट किया था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो 5934 करोड़ का इनका जो इनकम है पावर सेक्टर से इन्होंने जनरेट किया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईयरली वाइज भी और क्वार्टरली वाइज भी इनका जो ग्रोथ है इनके कोर बिजनेस में वो शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि भेल का इमीडिएट टारगेट अब क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो इमीडिएट टारगेट है वो आपको 88 को क्रॉस करते हुए ये स्टॉक जल्द ही आपको दिखने वाला है, और मंडे को इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल सकती है।